बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम रईस ख़ान लकी मरवत आपसे मुखातिब हूँ। आज आपको लकूरिया का इलाज बताएंगे और उसका एक नक्श है जो आपकी खिदमत में हाज़र करेंगे। वो लकूरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको लकूरिया औरत को इतना कमज़ोर कर देता है और जरयान इंसान को कमज़ोर कर देता है, जैसे खोखला कर देता है, और वो थकी थकी नज़र होती है, जिसका कमर दर्द और बहुत से बीमारियों की जड़ होती है। लोग पीरों के पास जाते हैं, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। असल में उसको होता है लकूरिया है, कमज़ोरी होती है, और कमज़ोर लोगों का मतलब है कि औलाद नहीं होती। अभी कहा गया कि बहुत से लोग, ये अल्लाह की देन है, और को अल्लाह ताला देता है, लेकिन उसकी कमर का दर्द, लकूरिया आना, कमज़ोरी पैदा करना, और ये किस्म किस्म का इलाज करते हैं, इसके बावजूद वो सही नहीं होते। दवाई का इस्तेमाल करते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वर्जिश है, कोई कहते हैं उसकी वर्जिश करो, कोई कहता है कि क्या नाम है पुराना चीज़ करो, फलाना चीज़ करो, इसके बावजूद भी लकूरिया ख़त्म नहीं होता। और लकूरिया एक ऐसी बीमारी है कि ये दीमक की तरह है, इंसान औरत को चाट चाट लेती है और कमज़ोर कर देती है, और कैंसर और बहुत से चीज़ों को जन्म देती है। ऐसा लकूरिया जो कि किसी वर्जिश से, किसी दवाई से ख़त्म ना हो, और उसकी वजह से औरत कमज़ोर हो, तो उसके लिए एक नक्श खिदमत पेश कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो कि आपने इस नक्श को एक 22 नक्शें बनानी हैं। जो एक नक्श जो है आपने कमर पर बांध लेनी है, और एक नक्श को आपने रोज़ाना एक नक्श पानी में हल करके पीना है, और पूरा दिन वही पीना है। इसमें परहेज यही है कि आपने और सादा पानी नहीं पीना, कम होने की सूरत में आप उसको पी और पानी उसमें डालें, और एक दिन आपने इस्तेमाल किया वो नक्श, आपने ऐसा नक्श ऐसे कागज़ पर बनाना है और ऐसी पेंसिल पर बनाना है जो पानी में आसानी से हल हो सके, और फिर जब वो पानी में आपने रोज़ाना 21 दिन तक आपने ये पानी पीना है। और अगर लकूरिया की वजह से कमर में दर्द है तो वो नक्श कमर पर बांध ले 21 दिन। 21 दिन बाँधने के बाद आपका जो लकूरिया है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। नक्श खिदमत वो है, ये ऐसा नक्श है। आप वो कर लें, ये नक्श अभी आपको नज़र आ रहा है, ये नक्श छोटा सा बनाना है, छोटा सा। जब आप छोटा बनाएंगे, आपने देख लिया, आप वो कर लें, शूट कर लें, ताकि आपको जहन नशीन रहें, या उसको प्ले करके बनाएं। सिर्फ 4 अल्फाज हैं। कितने अल्फाज हैं? 4 अल्फाज। पहला अल्फाज आपको, अगर फिर भी आपको मैं नक्श बनाकर दोबारा फिर दे देता हूं, ताकि आपको समझ आ सके। ये नक्श बना रहा हूँ,
आप ज़ोर से फिर देख लें ताकि जो है ना ये नहीं आपको नज़र आ रहा है तो शीशे से देखें। ये उल्टे आपको क्योंकि कैमरे में इसके उल्टा वो शूट कर रहा होगा, आप उसको कैमरे में उसमें भी देख सकते हैं। तो ये वो, लेकिन ये उसके लिए नहीं है, जरियान के लिए तो मैंने इस्तेमाल की नहीं किया कि कोई आदमी इसको जरियान के लिए इस्तेमाल करे। ये मैंने आजमाया हुआ है, बहुत से लोगों पर इस्तेमाल किया है, उसका अच्छा रिजल्ट आया है, तब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि ये नक्श, ज़्यादातर तो लोग कहते हैं ये शिर्क है, ये कहते हैं ये शिर्क हो या तावीज़ शिर्क है, तावीज़ हराम है। अगर कोई चीज़ किसके ऊपर शफा हो, मतलब मिसाल के तौर पर शराब, शराब हराम है, लेकिन एक आदमी को इस शराब की वजह से फाका हो सकता है और वो ठीक हो सकता है, तो वो अगर दवाई के तौर पर इस्तेमाल करे तो कोई बात नहीं है। अगर वो दवाई के तौर पर इस्तेमाल करे, अल्लाह ताला उसको गिरफ्त में नहीं पकड़ेगा। अगर वो ऐश के लिए इस्तेमाल करे, वो और चीज़ों के इस्तेमाल करे, तो गुनाह है। इस नक्श को से और लोगों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं और वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आइंदा वीडियो जो भी आएगी आपको आसानी से मिल सकेगी। अभी आपको मैं आइंदा वीडियो में आपको मैं कुछ और वजियाफ बताऊँगा, वजीफ़े बताऊँगा, जिसमें से आपकी बहुत मुश्किल हल हो जाएंगे। हल करने वाला अल्लाह ही है। हम तो कोशिश करेंगे। अल्लाह आपका निगहबान रहिए, लेकिन दूसरे लोगों को बताइए, इसमें खैर सवाब में आपको भी हिस्सा मिलेगा और हमें भी मिलेगा। लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को मुकम्मल देख कर सब्सक्राइब भी करें, घंटी वाला बटन भी दबाएं और लोगों को बताएं। अल्लाह आपका निगहबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।